अच्छा जी यार, आज हम लोग सुबह उठे हैं तो यहाँ पर हो रही है बारिश, और वैसे तो अब रुक गई है सुबह के ऑलमोस्ट, यहाँ पर 8:30 हो चुके हैं। हमारा प्लान था सुबह 8 बजे निकलेंगे और शूट वगैरह करेंगे। नहा ली है मैंने, लेकिन अभी यहाँ पर बारिश की वजह से रुके हुए हैं। अब तो वैसे क्लियर हो गया, अभी अंदर जाके मैं बताता हूँ। मैं चेक करने आया था कि मौसम जो है वो कैसा है। एक आप लोगों को प्रो टिप देता हूँ, सर्दियों में अगर आप नहा रहे हो और गर्म पानी ना आ रहा हो ना, तो आप लोगों ने गर्म पानी वाली साइड खोल के इंतज़ार नहीं करना कि गर्म पानी आ जाए, तो क्या पता नहाते नहाते आ जाए, वहाँ से फुल ठंडा पानी आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि वो पानी गीज़र के अंदर स्टोर होता है, गीज़र में मतलब एक जगह पे पानी पड़ा रहेगा और वो ठंडा पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर आप ठंडी साइड चलाएँगे वहाँ से ताज़ा पानी फ्रेश भी आता रहेगा, तो वहाँ से आप लोगों को जो है ना वो फिर कदरे बेहतर पानी मिल जाएगा आपका भाई। सुबह सुबह भी इतनी ठंड थी आज, और इस पर हमने ठंडे ठंडे पानी से नहाया है। तो अभी जो है वो चलते हैं, बताते हैं, और फिर आज दोबारा शूट पे चल जाते हैं। शूट के आज हमारी 4 जगह हैं, मतलब कि हमने सोचा है कि आज 4 एपिसोड्स करेंगे, लेट्स सी होता क्या है। तो आइए मेरे साथ। मुल्तान की ये सर्दियों की पहली बारिश हुई है, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। लाहौर में बारिश होना तो हम लोग तो भाई बाहर निकल आते हैं, लोग खाने पीने की जगहों पे रश लग जाता है। तो अभी हम यहाँ पे ये एक पॉइंट कवर करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो आज बिल्कुल रश नहीं है, वरना यहाँ पर डेली रश लगा होता है। आज इसलिए रश नहीं है क्योंकि आज बारिश हो गई है, तो लोग घरों में रजाइयाँ लेके जो है ना वो सो गए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, लेट्स सी। जब कोई पॉइंट आप कवर करने जा रहे हैं और वो कैंसिल हो जाए ना, तो बड़ा वो मोटिवेशन लेवल नीचे आ जाता है और वो बड़ा काम ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। लाएँ जी लाएँ लच्छे वाला पराठा, ठीक हो गया यार। यहाँ पे जो है ना सर्दी आ गई है, और स्ट्रीट फूड प्रोग्राम करने का आपको फ़ायदा पता है क्या होता है, बताऊँ? मज़े की बात, फ़ायदा खाना 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 खाना। ये नलियाँ भी आई हैं साथ में, दिखाएँ ज़रा अंदर से। खाली ये तो खाली नहीं है, ये डेकोरेशन के लिए है। ओके ओके, हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती भाई। ओके बाय। अच्छा जी, तो अभी हमने फर्स्ट एपिसोड डन हो गई है, 11 बज गए, मौसम ठंडा ठार है, सर्दी वाला ही है। अभी हम लोग अभी दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, अभी जिस लोकेशन पे जा रहे हैं बारिश भी हो रही है, ठीक है। बारिश हो रही है, बारिश का जिक्र नहीं कर रहा, ठंडा मौसम। बारिश अभी तो नहीं हो रही ना, कहाँ पे हो रही है, सुबह हो रही थी, अब रुक गई है बारिश, अब रुक गई है। वो मैंने बता दिया था पहले कि बारिश हो रही है। अभी हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं वहाँ पे चाय मिलती है, और वो चाय पाकिस्तान बनने से पहले से मिल रही है, मतलब वो पॉइंट इतना पुराना है, और स्टाइल वहाँ पे अभी भी वो शाही स्टाइल चल रहा है। क्या सीन है, जाके देखते हैं। तो आ जाओ। मुझ नहीं थे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सैर तो ही हो। जेल भी जाना, सरीका नु मार के जाना। क्या? जेल भी जाना, सरीका नु मार के जाना। तो जेल जाना ही क्यों है? सरीका नु मार के जाना। वाह जी वाह, भाई कह रहे हैं जेल भी जाना तो शरीका नु मार के जाना। क्या बात है, शरीका नु मार के जाना, जेल भी जाना, शरीका नु मार के जाना। भाई जान, लाइट जो है ना वो पूरी जो है ना वो मैनेज करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं शूट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको मेरे चेहरे पे ना इफेक्ट नजर आएगा रिफ्लेक्टर का, सूरज इधर है और नहीं आई अभी, आ गई। आप आइए, आप आइए, आइए, ठीक है। ओके, अभी हम जो डिस्कवर करने जा रहे हैं वो 40 साल पुराना पॉइंट है, एक छोटे से ठेले से शुरू हुआ था। कौन सा पॉइंट है? डिस्कवर पाकिस्तान पे मंगल को शाम 7 बजे देखिएगा। ओके जी, तो अभी हम एक शूट करके जो है वो वापस आ गए हैं। अभी 4 बजे जो है वो हम सेकंड लोकेशन पे शूट के लिए जाएंगे। अभी हमने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे। लोग दोबारा निकले हैं ऑफिस से, अभी एक और हम शूट करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे अक्सर मेरे कपड़े चेंज हुए होते हैं, तो ये बेसिकली हमारी हर एपिसोड का शूट अलग अलग से होता है, तो ये चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा करना पड़ता है, और अभी हम लोग यहाँ पर मौसम इंजॉय कर रहे हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, जब हम लोग आए थे उस टाइम इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन अब सुबह बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है ना ठंड ज़्यादा हो गई है, और पता लगा कि लाहौर में भी बारिश हो रही है। तो अभी हम लोग शूट करने जा रहे हैं कुछ भी पॉसिबल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वो जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सीन है उसके, और वहाँ के सीन्स आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह कल की हमारी वापसी का भी प्लान है,
और अभी रात में एक और एपिसोड हमने शूट करनी है। अभी तक हम 5 एपिसोड टोटल रिकॉर्ड कर चुके हैं और यहाँ पर ये देखें हमारे ड्राइवर ने कमार महारत का मुजाहरा किया। ठंड जो है ना वो टका कर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सर्दी आ चुकी है और मुझे बहुत सर्दी लग रही है, लेकिन अभी हम यहाँ पर यार मुझे अभी लगा था कि कैमरा बैक ऑन है लेकिन वो फ्रंट ऑन था और मैं बोल ही जा रहा हूँ, ठीक है, अजीब मजाक है, ठीक है। तो अभी ये सुबह भी मेरे साथ हुआ है, मैंने 2 मिनट बोला है, इतना ज़बरदस्त कंटेंट बनाया है, उसके बाद जब मैंने देखा कि यार वीडियो बनी क्या है तो वीडियो बनी नहीं। तालियां बजाएं मेरे लिए। यार ये देखिए आप, मुल्तान में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का लंडा लगा हुआ है, यहाँ पे रेडियो पे जो है ना वो चीज़ें फुल रश लगा हुआ है और यहाँ पे कोई हैंड फ्री ले रहा है, कोई चार्जर ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, ये देख रहे हैं आप। और जी वायदा तो जूते भी लगे हुए हैं और यहाँ पे मुझे पता लगा कि मुल्तान में लंडा सबसे सस्ता है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे ये हैंड फ्री या चार्जर सब कुछ यहाँ पे जो है ना वो मिल रहा है। किधर गुस्सा है हम? अच्छा तो यार हम लोग 3 दिन से मुल्तान में घूम रहे हैं और कर करा के एंड पे हम लोग घंटाघर आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ही घूम ही जा रहे हैं। जब हम आज निकल रहे हैं वापस और वापस जाते हुए मुल्तान है, सोल हलवा ना लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी हम आए हैं रेवाड़ी पे और यहाँ पे मुझे पता लगा है कि इनका जो सोन हलवा है ना वो बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे दुकान जो है वो अभी जुम्मे की वजह से बंद हो रही है, तो अभी जो है हमें सोन हलवा यहाँ से लेना है। अच्छा रोड के बिल्कुल अपोजिट भी इनकी शॉप मौजूद है हुसैन अगाही में। वैसे तो हमने ये सुना है कि हाफिज का सोन हलवा और यहाँ पे 2 मशहूर हैं जो मुझे पता लगा है, एक रेवाड़ी है और एक अहमद हाफिज़ है, उनका मशहूर है, तो हमने रेवाड़ी से ले ली है। अब घर जा के देखेंगे कि किस तरह से जो है ना इसका टेस्ट है और निकलते हैं। यार हमने सोचा था जल्दी जल्दी निकलेंगे, 4-5 बजे लाहौर होंगे, ऑलमोस्ट हमें 12 तो यहीं बज गए हैं। अभी हम लोगों ने नाश्ता करना है और उसके बाद हम लोग फिर वापस जाएँगे। ये हैं तारिक साहब, ये CRC ग्रुप में आमिर बशीर साहब हैं, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ पे सारा गाइड वगैरह इन्होंने हमें किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर जब मर्जी आए सर हाजिर। चलें जी, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद वापस इंशाल्लाह लाहौर के लिए निकलेंगे। तो जी तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, ये यहाँ पे फिर यार जहाँ पे भी मुल्तान में हम जा रहे हैं ना हमें हर तरफ रश 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 मिल रहा है। ये कबूतरों की मार्केट है, आज यहाँ पे जुम्मा एतवार का दिन है, यानी कि इनका जुम्मा एतवार होता है, ठीक है, इनका जुम्मा एतवार होता है, ठीक है, एतवार इनका एतवार नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग निकल रहे हैं, 1 बज गया ऑलमोस्ट और हम तकरीबन 5 बजे तक पहुँच जाएंगे सर इंशाल्लाह जी, हम 5 बजे तक लाहौर में होंगे। ये देखें जी, आहा चावल चावल चल रहे हैं, कबूतर ही कबूतर है यहाँ पे, लोग आते हैं खरीदते हैं। ये देखें जी, पिलाओ पिलाओ पिलाओ। अच्छा तो मुल्तान का टूर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, हमने जो है वो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ट्राई की, बहुत सी चीज़ें खाई। अभी हमने सोन हलवा भी ले लिया है और ये हमारे साथ हैं वट्टू साहब। वट्टू साहब से मैंने एक वादा किया हुआ था, वट्टू साहब क्या वादा था वो? जी वो एक्चुअली ये था कि मैंने इन्हें ये कहा था कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे सोन हलवा लेके देंगे, जो कि मैंने मजाक में की थी, लेकिन इन्होंने मजाक को सीरियस कर दिखाया। आपको किसने कहा कि मैंने आपके लिए सोन हलवा ले लिया? एक मिनट पहले तो ये बताया। नहीं जो आपने हाफिज वाला भी आप ही ने लेके दिया। वो कहते हैं ना, आपने एक मुहावरा सुना होगा, किसी को अपनी चीची पकड़ाओ ना तो वो आपकी पूरी बाजू खींच लेता है। तो वट्टू साहब आप क्या बातें कर रहे हैं, आपका मेरा मजाक है? मजाक नहीं है, आप मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। अच्छा, और जो चीजें अच्छी होनी चाहिए वो बोल देनी चाहिए। सही हो गया, ये हमारा शुगर जो है ना वो चलता रहता है साथ साथ। तो अभी ये ज़रूरी भी है ताकि हम पूरा टूर जो है ना वो, वरना बहुत शोर हो जाएंगे, काम करने का भी दिल नहीं करेगा, एनर्जी भी नहीं रहेगी। तो यार ये जब आप मेट्रो के पुल को देखते हैं आपको यही लगता है आप लाहौर में घूम रहे हैं, ठीक है। तो खुदा हाफिज मुल्तान। यार ये सारे जो है ना वो आमों के बाग हैं, मुल्तान को तो वैसे ही कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है। ये भी सारे आप जितने देख रहे हैं राइट साइड में भी यहाँ पर सारे जो है ना ये आम के बागात हैं। आम यहाँ के मशहूर भी हैं लेकिन इस सीज़न में यहाँ पे आम नहीं है, अदरवाइज़ हम यहाँ से जो है ना वो आम ऊम भी लेके जाते हैं।